हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है ड्यू 10 का ड्रिल मशीन। इसमें दोस्तों कस्टमर ने मेरे पास खोल के लाया है मशीन को, और यहाँ पे ये देख सकते हो ये जो चौक है उसको ओल्डिंग करके फिक्स किया गया है, और बाद में ये टूट भी गया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम उसको रिप्लेस करेंगे, कैसे उसको काट के निकालेंगे। तो अगर आपकी मशीन में ऐसा कोई दिक्कत हो रहा है कि ड्रिल मशीन का चौक टूट रहा है, बार बार ये निकल रहा है, तो ये वीडियो में मैं आपको सलूशन बताऊंगा। तो चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, बोले कार्बन से लेके आपका बेयरिंग तक, या फिर आर्मेचर से लेके कॉइल तक सभी अवेलेबल है, तो जाके आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मशीन का कोई इशू नहीं है, जैसे कि आप देखा कि इसमें मैं चलाया, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है तो ये इसका चौक का दिक्कत है, चौक को रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इसमें ये हुआ है कि उसको ओल्डिंग करके फिक्स किया गया है, शायद ये स्पिंडल से ये चौक निकल रहा था, तो इसलिए इसको फिक्स किया गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको काट के निकालेंगे। दोस्तों आपका और कोई सोल्यूशन नहीं है, ओल्डिंग किया गया है, तो आपको फटाफट उसको काटना है चारों तरफ। ये ध्यान देना है कि इसका स्पिंडल ना कटे, जितना ओल्डिंग हुआ है तो उतना जरूर कटे, उसका ज़्यादा कटेगा तो दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ पे सावधानी से पूरा, मुझे 3 से 4 मिनट लगा उसको काटने के लिए, बहुत सावधानी से उसको काटा, फिर ये निकलने वाला है, यहाँ आप देख सकते हो। तो इस तरह से वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज में फॉलो करना है टेक्निकल सितम, फेसबुक पेज आपको मेरे फेसबुक पेज में भी अभी अवेलेबल हो चुका है, वहाँ पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए ऊपर से। ओके, अभी दोस्तों उसका ऊपर वाला कवर आउटर तो निकल गया, लेकिन उसका इनर जो उसका जो स्पिंडल में टाइट होता है वो थ्रेड यहाँ पे फंस गया है। तो इसको खोलना पूरा आसान सा तरीका है, आप उसको पूरा साइड से काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। अगर आपका चारों तरफ आप काट लिए हो फिर भी नहीं निकला, तो ऐसे आप साइड से काट सकते हो, उसका जो इनर वाला कोन को आप काट सकते हो यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे देखिए मैं काट लिया उसको। ओके, ये कट गया। तो अभी दोस्तों हमको क्या करना है, उसको एक प्लास से पकड़ के हमको उसको निकालना है। अभी थोड़ा दूसरी तरफ से हम थोड़ा काट लेंगे, यहाँ से थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसमें है। ओके, अभी दोस्तों पूरा क्लियर आपको करना है कि चारों तरफ ये कट गया है, नहीं कटा है तो आप दोबारा काट सकते हो, क्योंकि ये सावधानी से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिंडल कट जाएगा तो दिक्कत होगा, बेंड चलेगा आपका मशीन, आपका जो चौक रहता है वो हिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ओके यहाँ ये लगभग कट चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्लाई रेंच लेंगे, फिर उसको नीचे से पकड़ेंगे, उसका घाटी आपको मिल जाएगा चौक के स्पिंडल में, और ऊपर से हम प्लास के माध्यम से उसको निकालेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए पूरा आसान से ये निकल गया, लेकिन इसको निकालने के लिए बहुत हमको काम करना पड़ा, उसको काटना पड़ा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा इस चौक को क्यों फिक्स किया गया है, शायद इसको स्पेशल काम किया जा रहा था तो इसके वजह से ये निकल रहा था, कभी कभी ढीला हो रहा था, तो ये इसको डायरेक्ट कोल्डिंग किया गया है। ये मत कीजिए, आपको मार्केट में आरा लाइट जो गम मिलता है वो आपको लाना है, और यहाँ पे स्पिंडल में यूज़ करना है। अगर आपका स्पिंडल निकल रहा है चौक से तो वो गम यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फेविकुक भी डाल सकते हो, फेविकुक थोड़ा हैवी, थोड़ा हैवी से दीजिए, ज़्यादा दे दीजिए। ओनली थ्रेड में देना है आपको, अंदर डालोगे तो दिक्कत होगा, थ्रेड में दे के आप टाइट कर सकते हो। आरा लाइट एक मार्केट में मिलता है, वो भी आप मेरे वेबसाइट में ख़रीद सकते हो। ये वो जो हम 5 kg ब्रेकर मशीन में दे रहे थे दोनों को मिक्स करके, तो यहाँ पे देना है तो ये आसानी से जाम फिक्स हो जाएगा, लेकिन वेल्डिंग मत कीजिए, ऐसा दिक्कत होगा। अभी दोस्तों मैं यहाँ के खोल चुका हूँ, सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अभी हम उसमें नया चौक लगाएंगे। चौक लगाने से पहले हमको क्या करना है, मशीन में उसका हेड को फिटिंग करना है, ताकि हमको यहाँ पे चला के दिखना है कि शायद कोई बेरिंग का साउंड हो या फिर आर्मेचर में दिक्कत हो। मैं पहले चला चुका हूँ आर्मेचर, कोई दिक्कत नहीं आर्मेचर में, लेकिन दोबारा हम चला लगे, यहाँ पर स्क्रू टाइट कर लेते हैं। तो चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। मेरे चैनल में पावर टूल रिलेटेड वीडियो सारी आपको जानकारी बहुत सारा, 600 से 700 वीडियो मेरे ये चैनल में अवेलेबल है, तो जाके चेक कर सकते हो, सारे प्रॉब्लम के ऊपर एक एक वीडियो जरूर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये ड्यू 10 का भी एक वीडियो आपको मिल गया,
तो YouTube पे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पे हो तो ज़रूर मेरे पेज को फॉलो कीजिए। ओके, और यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लगाएंगे बैक कवर, उससे पहले मशीन को थोड़ा चला लेंगे। तो यहाँ पे स्विच डायरेक्ट हुआ है, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे हम अभी लगाएंगे दोस्तों चक। तो ये चक भी आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो technicalsritam.co.in, सर्च करने से मेरे वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पे जाके कोई भी इस व्यापार की ज़रूरत है वहाँ पे जाके बिल बनाइए, पेमेंट जरूर करना पड़ेगा। पेमेंट बिना पेमेंट में माल नहीं जाता है, बहुत लोग ना के ऑर्डर कर देते हैं। मेरा पार्सल पहले जा रहा था कैश ऑन डिलीवरी के लिए, लेकिन वो फिर रिटर्न आ जाता था। तो इसलिए ओनली जितना जिसको चाहिए बिलीफ है तो ज़रूर वहाँ पे जाके पेमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोग ले चुके हैं मेरे यहाँ से, मेरे वेबसाइट से पार्सल, कोई इशू नहीं है। इंडिया के हर गली में, हर एरिया में, हर स्टेट में आपको मेरे वेबसाइट में आप परचेज करने से आपके डिलीवरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए चौक को ऐसे टाइट किया जाता है, आप चौक को टाइट कर लीजिए, फिर उसके ऊपर उसका एलेंकी आप उसको फंसा दीजिए, फिर एलेंकी को पिटने से ये चौक ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है। उसी तरीके से आप उसको खोल भी सकते हो। मैं इसका भी वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हो चौक को कैसे निकालते हैं। अभी दोस्तों मशीन को चला लेते हैं, देखेंगे और कोई दिक्कत है या नहीं है। बैक कवर लगा लेते हैं, उसके बाद हम मशीन को चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल मशीन सही सलामत से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो आपने जैसे कि देखा कि इसको चौक को कैसे रिप्लेस किया जाता है। तो आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, इस टाइप का वीडियो आके देखने के लिए। थैंक यू।